हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम प्रज्वल सिंह है और मैं आपका टॉप 10 क्लासेस पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में धातु और अधातु क्या होते हैं और इनके बारे में पढ़ लिया था। एग्ज़ाम के हिसाब से जो महत्वपूर्ण है उसका यहां पर हम स्टडी कर रहे हैं। आज हम आपका देखेंगे कि कार्बन और उसके यौगिक क्या होते हैं। तो बच्चों, तो यहाँ पर हमने आपका हेडिंग लगाया कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक कहने का मतलब बच्चों, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और कार्बन के यौगिक। तो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग लगी हुई है आपकी कार्बन। तो कार्बन क्या है? तो बच्चों, यहाँ पर हम देखेंगे आपका कार्बन क्या है। तो आपको पता है कार्बन को लिखते हैं CARBON। ये बच्चों क्या आपका कार्बन। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर देखें बच्चों, तो कार्बन का जो प्रतीक होता है बच्चों, स्टार्टिंग वर्ड कार्बन क्या है? सी है। इसलिए जो कार्बन का प्रतीक निकल के आया बच्चों, वो आपको क्या निकल गया? सी। और सी को आप इस तरह से यदि मोड़ देंगे तो क्या होगा? 6। मतलब जो कार्बन का प्रतीक निकल के आया बच्चों, वो सी है और परमाणु क्रमांक क्या है बच्चों? 6 है। और यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करेंगे बच्चों, तो के कोष में आपके 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और यल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, क्योंकि इसके संबंध में बोहर ने बताया था KLMNOPQ। पहले कोष से 2, दूसरे में 8, फिर 8, 18, 32 और 32। ये आपके बोहर ने बताया था। इसी के अनुसार हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चों करते हैं। एक नियम और है बच्चों, वह आपका अबाव रूल। अबाव रूल आपका क्लास 11th में मिलना स्टार्ट होगा, इसलिए हम उसे भी यहाँ प्रीफर नहीं करेंगे और आपका हमने बोहर रूल से ये कर लिया। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए, इसके बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, जो इसके बाह्यतम कोष है बच्चों, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 4 है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होने के कारण बच्चों, ये क्या है? अधातु है। क्योंकि आपको पता है, अगर कोई धातु होगा तो उसके बाह्यतम कोष में 2, 3 या 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यदि अधातु होता है तो 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों? 4 इलेक्ट्रॉन। इसलिए क्या आपका धातु है। इसलिए आपका ये क्या है बच्चों? अधातु है, क्योंकि कार्बन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। और अधातु की प्रॉपर्टी आपने पढ़ लिया है बच्चों, अधातु क्या होती है आपके? अतन्य होती है। अधातु क्या होती है? उसमें कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। अधातु क्या होते हैं बच्चों? आपके भंगुर होती हैं। तो ये सब प्रॉपर्टी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। और यहाँ पर बच्चों, हम देख रहे हैं कि आपका कार्बन क्या है। तो एक बात निकल के आई, कार्बन एक बच्चों क्या है आपका? अधातु है। तो कार्बन क्या है बच्चों? कार्बन एक अधातु तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 6 तथा प्रतीक सी होता है तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा बच्चों इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा बच्चों? 2 और 4 होता है। तो ये चीज़ें बच्चों आपको ध्यान में रखनी है कि कार्बन क्या है? एक अधातु है जिसका परमाणु क्रमांक 6 है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 4 है। हम जानते हैं बच्चों कि किसी भी तत्व के बाह्यतम कोष में
उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी सहजकता कहलाती है, लेकिन इसे आप प्रिफर मत कीजिएगा। हमारे माने तो आप कहिएगा कोई तत्व जितने बंद बनाएगा वही उसकी सहजकता है, कोई भी तत्व जितने बंद बनाएगा वही उसकी क्या है बच्चों, आपकी सहजकता है। तो कार्बन के बाह्यतम कोष में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं और कार्बन जो बंद बनाता है बच्चों चार बंद बनाता है, कार्बन जो बंद बनाता है चार बंद बनाता है और चार बंद बनाए जाने के कारण इसकी सहजकता कितनी होती है बच्चों, चार होती है। तो कार्बन की सहजकता कोई पूछे बच्चों तो आप कितनी बताएंगे, चार होती है। क्यों? क्योंकि कार्बन चार बंद बनाता है। अब बात करें कि कार्बन के अपर रूप के बारे में। अब कार्बन के अपर रूप, अब बच्चों यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं कि कार्बन के अपर रूप क्या है। देखिए बच्चों अपर रूप क्या होते हैं, अगर कोई तत्व एक से अधिक रूपों में पाया जा रहा है, एक से अधिक रूपों में पाया जाता है तो उसे हम कहते हैं अपर रूप। जैसे कि कार्बन, कार्बन आपका कोयले में भी पाया जाता है, कार्बन आपका हीरा में भी पाया जाता है, मतलब आपका कार्बन हीरा है, हीरा में पाया गया, कार्बन कोयले में पाया गया और कार्बन ग्रेफाइट में पाया गया और कार्बन फुलरेन 60 में भी पाया गया, मतलब आपके यहाँ से निकल के आया कि कार्बन के यहाँ पर चार अपर रूप हो सकते हैं। तो कौन कौन, कोयला और क्या हो सकता है बच्चों आपका, डायमंड, हीरा और बच्चों क्या होता है, ग्रेफाइट और फुलरेन 60। तो कार्बन के चार अपर रूप हैं। और एक बात बच्चों कि अपर रूप क्या होते हैं, अगर कोई भी तत्व तो एक से ज़्यादा रूपों में पाया जाएगा तो और सब रूप उनके क्या कहलाएंगे, अपर रूप कहलाएंगे। और आपके अपर रूप के जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन भौतिक गुणधर्मों में विभिन्नता देखने को मिलती है। अब बात करें अपर रूप, अब कार्बन के अपर रूप क्या है बच्चों, मेन रूप से चार आप जानते रहिए बच्चों, कार्बन के चार अपर रूप कौन कौन, तो कोयला, हीरा, कोयला, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरेन, ये क्या है बच्चों, फुलरेन C60। तो ये क्या है बच्चों, आपके कार्बन के अपर रूप हैं। तो कार्बन के चार अपर रूप याद रखिएगा, एक क्या है आपका, कोयला, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरेन C60। तो अब हम बात करते हैं इसमें से बच्चों आपका कोई अपर रूप पूछ लेगा कार्बन का अपर रूप क्या है, और ये जानते रहिए बच्चों केवल आपका ग्रेफाइट ही ऐसा एक अपर रूप है जो विद्युत का चालन करता है, जो विद्युत का चालन करता है। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और ग्रेफाइट के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण ग्रेफाइट में विद्युत का चालन आसानी से हो जाता है और ग्रेफाइट की संरचना परतदार होने के कारण ग्रेफाइट आपकी क्या होती है, बहुत कठोर नहीं होती है। तो ये रहा कार्बन और कार्बन के अपर रूप। अब हम आगे बात करेंगे कि कार्बन की सहजकता क्या होती है और कार्बन कितने बंद बनाता है। बच्चों अब हम आपका देखेंगे कि कार्बन की सहजकता क्या होती है। तो सहजकता क्या होती है, सबसे पहले अगर हम ये देखें संयोजकता, सहजकता मतलब होती है बच्चों संयोजन, क्या होती है, संयोजन करने की क्षमता, क्या होती है बच्चों, संयोजन करने की क्षमता। और बच्चों संयोजन करने की जो क्षमता होती है वही क्या कहलाती है, आपकी सहजकता कहलाती है। किसी भी तत्व द्वारा, किसी भी परमाणु द्वारा वह जितने बंध बनाएगा, जितना संयोजन कर सकेगा वही उसकी क्या कहलाती है, सहजकता कहलाती है। यदि बात करें बच्चों हम कार्बन की, तो कार्बन की सहजकता संयोजन करने की क्षमता चार होती है, इसलिए कार्बन की सहजकता कितनी होती है बच्चों, चार होती है। तो सहजकता क्या है, किसी परमाणु, मतलब कहने के बच्चों तत्व, किसी परमाणु तत्व द्वारा
संयोजन करने की क्षमता, संयोजन करने की क्षमता उसकी संयोजकता कहलाती है। उसकी क्या कहलाती है बच्चों? उसकी संयोजकता कहलाती है। किसी परमाणु मतलब तत्व द्वारा संयोजन करने की जो क्षमता होती है वह उसकी क्या कहलाती है बच्चों? संयोजकता कहलाती है। अब हमारा क्वेश्चन उठेगा कि संयोजकता कार्बन की कितनी होती है। तो ये रहा आपका कार्बन, और कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बच्चों? दो और चार होता है। और दो चार है मतलब इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों? चार इलेक्ट्रॉन होंगे। और इलेक्ट्रॉन को बच्चों हम तीन तरीके से दर्शा सकते हैं। तीन तरीके से, एक तो बच्चों क्रॉस से दर्शा लेते हैं, और एक तो बच्चों हम बिंद से दर्शा लेते हैं, और एक तो बच्चों किससे दर्शा सकते हैं? डॉट से दर्शा सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को दर्शाने के तीन तरीके बच्चों आप याद रखिएगा। अगर ये तीनों तरीके आपको मालूम है तो आप इलेक्ट्रॉनों को आसानी दर्शा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्रॉस से दर्शा लिया, तो कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन है, और ये कितने बंध बनाएगा? अच्छा आप देखिए यहाँ पर कि कार्बन को यदि अपने ऑक्टेट को पूरा करना है, अपने अष्टक को पूरा करना है, तो वह कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे? तो कार्बन कितना इलेक्ट्रॉन चाहेगा? चार इलेक्ट्रॉन चाहेगा। अगर कार्बन को चार इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो चार बंध बना लेगा, और चार बंध बनाने के साथ साथ उसके जो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आठ हो जाएगी और वह अस्थायी हो जाएगा। तो जैसे आपका है हाइड्रोजन, हमने बच्चों एक लिया आपका हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के पास बच्चों एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आएंगे? एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगेगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, मतलब आपके चार हाइड्रोजन आएंगे। और चारों हाइड्रोजन आपके क्या बना देंगे बच्चों? बंद बना देंगे। तो ये जो बंद बना, तो कितने बंद बना बच्चों? आपका जो बंद बना चार बंद बना। इसलिए चार बंद बना बच्चों, बंदों की संख्या चार है, इसलिए कार्बन की संयोजकता, कार्बन की संयोजकता चार होती है। और लोग इसको बच्चों क्या कहते हैं? चतुः संयोजकता कहते हैं। चतुः, इसको बच्चों क्या कहते हैं? चतुः संयोजकता कहते हैं। कार्बन की संयोजकता चार है, और इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? आपका चतुः संयोजकता कहते हैं। अब क्वेश्चन उठता है, कार्बन आकृति कैसे बनाता है? अब कार्बन जो आकृति बनाती है बच्चों, वह आपकी चतुष्फल की आकृति होती है। तो यदि हम इसे बच्चों याद रखिएगा, क्योंकि आपका क्रैश कोर्स है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं बताई जाएंगी। तो कार्बन के आकृति के बारे में बात करें, कार्बन के जो यौगिक होंगे उनकी जो आकृति होगी, जैसे बच्चों हमने मीथेन का लिया तो एक अलग आकृति होगी, तो मीथेन का ही पूछता है, तो मीथेन का याद रखिएगा। मीथेन, मीथेन मतलब बच्चों आपका CH4 जो हमने अभी बनाया था, ये क्या है आपका? मीथेन है। और मीथेन की जो आकृति होगी बच्चों, इस प्रकार से बच्चों आपकी मीथेन की आकृति होती है। कहने का मतलब आकृति जो होती है बच्चों आपकी क्या? चतुष्फल की होती है। मीथेन की जो आकृति होती है बच्चों क्या होती है? चतुष्फल की है होती है, और चतुष्फल की होती है, और आपका जो कार्बन संयोजकता कितनी होती है? चार होती है। ये बच्चों आप याद रखिएगा। तो यहाँ से आपका एक नंबर बन सकता है कि कार्बन की जो मीथेन बनाएगा उसकी आकृति कैसी होगी बच्चों? चतुष्फल की होगी। और एंगल के बारे में तो बहुत नहीं पूछता बच्चों, एंगल जो आपका 109° 28' तक होगा बच्चों, और कहीं कहीं आप इससे कम भी देखेंगे। तो ये बच्चों आपका पूछेगा नहीं, केवल आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कार्बन के जो यौगिक होगा, मीथेन की आकृति क्या होती है? चतुष्फल की होती है। और ये बच्चों ये आपका लेक्चर रहा कार्बन के बारे में। और कार्बन के कंपाउंड की बात करें तो कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, मतलब
कार्बन परमाणु एक दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़ करके बच्चों अलग अलग यौगिक बनाते हैं, और कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़ करके अलग अलग यौगिक बनाते हैं, और इस गुण को बच्चों में क्या कहते हैं, श्रृंखलन का गुण कहते हैं। और इस तरीके से कार्बन अनेक यौगिक, मतलब अभी तक तो ज्ञात यौगिकों की संख्या की बात की जाए तो कार्बन अकेले ही लगभग 10 मिलियन से ज़्यादा कंपाउंड बना सकता है। तो यहाँ से एक बात निकल के आई कि कार्बन एक गुणधर्म पाया जाता है, एक गुण पाया जाता है, वह होता है जुड़ने का गुण, श्रृंखलन का गुण, जिसे हम कहते हैं आपकी श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति, जो बच्चों अगले लेक्चर में आपका डिस्कशन करेंगे। यदि बच्चों आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिएगा, और यदि आपके डाउट्स बचे हों बच्चों तो आप उसे जरूर कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।